परम अवतार श्री कृष्ण। नेत्रासुर को खोजने में असमर्थ कंस होता है क्रोध से अनियंत्रित। चलो जा रे, आज तुझे और तेरे छल को समाप्त कर दूं आज सामने। कंस से विष्णु अवतार कान्हा का सत्य छुपाए रखने हेतु माता धरा करती है स्वयं को पंचभूतों में विलीन। वृंदावन में कंस को देख कान्हा बलराम तथा राधा मिलकर कंस का अंत करने का निर्णय लेते हैं। मैया यशोदा के शरीर पर कंस की यातना द्वारा अंकित चिन्ह देख कान्हा करते हैं कंस का अंत करने का निश्चय। अब समय आ गया उस पापी कंस को दंड देने का, उससे युद्ध करने का। आप सच कह रहे हैं। कान्हा बचाओ। वृंदावन से होता है गोपियों का अपहरण। लगता है हम केवल स्थान ही बदल सकते हैं, अपना भाग्य नहीं। कैसे करेंगे कान्हा गोपियों के आत्मसम्मान की रक्षा? ऋषि गर्गाचार्य बताते हैं स्त्रियों के अपहरणकर्ता का नाम। वृंदावन की गोपियों को शंखचूड़ हरण करके ले गया है। भगवान कंस सभी का उद्धार चाहते हैं। स्त्रियों का अपमान करने जैसे जघन्य अपराध करने वाले पापियों को कभी क्षमा ना करने का निर्णय लेते हैं श्री कृष्ण। मैं संसार में सबको क्षमा कर सकता हूँ, किंतु कोई स्त्री का अपमान करे मैं यह कभी सहन नहीं कर। गोपियों का हरण कर कंस करता है उनके पूर्व जन्म का सत्य उजागर। तुम सब उन चारों ऋषियों का पुनर्जन्म हो। अब देख तेरे उस अंश, तेरे उस परम अवतार को अपने सम्मुख आने के लिए कैसे विवश करता हुआ। गोपियों की रक्षा करने जा रहे बलराम तथा कान्हा फंसते हैं नरभक्षी वन में। कैसे करेंगे अपनी भक्त गोपियों के सम्मान की रक्षा? गोपी सुनंदा, तुम गोप सुनंद की सुपुत्री हो। गोप सुभद्र की सुपुत्री सुभद्रा, रंग रंगीले वस्त्र धारिणी रंगवेणी, और शेष रह गई तुम अवश्य ही चित्रांगदा हो। किंतु भगवान आप सब कैसे जानते हैं? हमारे आपसे क्या शत्रुता है महाराज? आप यहाँ हमें क्यों लेके आए? इतनी भी शीघ्रता क्या है? समझाऊंगा, सबको बताऊंगा। भगवान कंस ने इसीलिए तो बुलवाया है तुम सबको यहाँ। सुभद्रा, ध्यान से देखो इस वेदी को, कुछ स्मरण आया? और तुम्हें गोपी सुनंदा, नंद बाबा आगे तो कोई मार्ग ही नहीं है। किंतु ये कैसे संभव है? नंद बाबा आपने कान्हा से सही मार्ग तो पूछा था ना? हाँ दामोदर, हम उसी मार्ग पर हैं जो कान्हा ने हमें बताया था, परंतु हम मार्ग कैसे भटक गए? नंद बाबा इससे तो अच्छा होता कि हम कान्हा को साथ ले आते। अब हम आगे कैसे जाएंगे? नारायण 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 नारायण। आप लोगों ने ये नारायण जाप सुना? हाँ दामोदर, परंतु इतने घने वन में ये नारायण कौन पुकार रहा है? ये तो उनसे मिलकर ही पता लगेगा, और हो सकता है कि मलय पर्वत पहुंचने में वो हमारी कुछ सहायता भी कर दे। सत्य कह रहे। चलिए चलिए चलिए। प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, आपकी साधना में विघ्न डालने के लिए क्षमा चाहता हूं। हम मलय पर्वत की ओर निकले हैं और हमारा वहां पहुंचना अति आवश्यक है। क्या आप हमें वहां जाने का मार्ग बता सकते हैं? मलय पर्वत, ऐसा प्रतीत होता है कि आप लोग अपना मार्ग भटक गए, क्योंकि आप लोग विपरीत दिशा में आ गए हैं। आप लोग ऐसा कीजिए कि आप लोग जिस दिशा से आ रहे हैं उसी दिशा में फिर से लौट जाइए। आप अवश्य ही अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। ऋषिवर, ये आप क्या कह रहे हैं? हम तो उसी मार्ग से आ रहे हैं। मार्ग दिखाने वाले तो स्वयं नारायण हैं। आप लोग नारायण पर विश्वास कीजिए, वो आपकी सहायता अवश्य करेंगे। लताओं ने मुझे ऐसे जकड़ लिया है, अब तो मैं अपना
सोचा युक्ति सोचो। मैया कहती है ऐसे तांत्रिक कार्य वही करते हैं जो अद्वितीय होते हैं। ये देख गोपिया। चुप हट चल, अन्यथा सबको शांत कर दूंगा। अबे देख रहे हो ना कि मैं अपने शत्रु से बात कर रहा हूं। चक्रधारी, कैसा लगा मेरा चक्रव्यूह? सर चकरा गया ना? अब क्या सोच रहा है? कि मुझे इन गोपियों को ऋषि रूप में दिए हुए वरदान के बारे में कैसे पता चला? सत्य बता, यही सोच रहा है। कहने को तो बड़ा अंतर्यामी बना फिरता है। चल बता ही देता हूं, तेरे उस वृंदावन में मुझे इस भेद का ज्ञान हुआ। ठहर जा कंस, ठहर जा कंस, ठहर जा कंस। कौन है? ऐसा अनर्थ करने का सोचना भी मत। कौन रोकेगा मुझे? तू, तू है कौन? मैं वृंदा हूँ, इस संपूर्ण वन की विरासत, और कोई भी मेरी अनुमति के बिना इस वन को पार नहीं कर सकता। लगता है ये उस साधारण विष्णु की अति साधारण भक्त है, इसलिए उस विष्णु की आज्ञा से भगवान कंस का रास्ता रोके खड़ी है। कंस, मुझे कुछ भी कह लो, किंतु मुझ पर विष्णु भक्त होने का आक्षेप लगाकर मेरा अपमान मत करो। मैं उस विष्णु की भक्त नहीं, अपितु वो तो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। शत्रु? हाँ कंस, पिछले जन्म में मैं असुरा शंखचूड़ की पत्नी थी, और तब उस छलीय विष्णु ने मेरे साथ छल किया था। नंद बाबा, मुझे ऐसा प्रतीत क्यों हो रहा है कि ये स्थान वृंदावन के आसपास ही कहीं है? दामोदर, तुम भूल बुद्धि तो थे, ब्रह्म बुद्धि भी हो गए। ये स्थान वृंदावन कैसे हो सकता है? नंद बाबा, लगता है मुझे भी ब्रह्म बुद्धि हो गया है। मुझे भी ये स्थान वृंदावन जैसा लग रहा है। दामोदर के साथ रह के तुम भी ब्रह्म बुद्धि हो गए हो। चलो। वृंदावन? ये कैसे संभव है? नंद बाबा, मुझे लगता है कि मलय पर्वत का मार्ग वृंदावन से होकर ही जाता है, इसीलिए ऋषिवर ने हमें यहाँ भेज दिया। दामोदर, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सत्य कह रहा हूँ नंद बाबा। छोड़ता रहा कि तू अब तुम जीवित नहीं बचोगे। शंखचूड़ की महाशक्तियों के समक्ष गोपियों को छुड़वाने में बलराम तथा कान्हा होते हैं असमर्थ। अपने बल का प्रयोग कर गोपियों को विवाह के लिए बाध्य करता है शंखचूड़। कैसे बचाएंगे कान्हा शंखचूड़ के क्रोध से बलराम तथा गोपियों को? बताइए ना सबको, आपकी शादी किसके साथ हुई है? हमसे हुई है इनकी साथी, वो हमारे हस्बैंड और हम उनकी वाइफ हैं। भोला सिंह अभी भी हमारी गिरफ्त से बाहर है। मैडम जी, भैया जी ने आपको बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और आपने भैया जी को ही अरेस्ट करवा दिया।
एम रिटायर्ड आईजी श्याम मोहन तिवारी, मैक मेरा भतीजा है। ओह माय गॉड, आप मनमोहन तिवारी जी के चाचा। पंचायत ने अपने फैसले में लाखा को दोषी माना है। कहीं ना कहीं तितली भी इस गुनाह में भागीदार रही है, इसलिए पंचायत ने ये फैसला लिया है कि सिर्फ लाखा को ही सजा नहीं मिलेगी, तितली को भी दोषी माना है और उसे भी सजा मिलेगी। लाखा ने जो गुनाह किया है उसको ध्यान में रखते हुए एक साल के लिए गांव निकाला दिया गया है। पंचायत गाँव के किसी भी इंसान को सुनेगी, उसके साथ तितली को क्या करना ही पड़ेगा।